अरे भाई और बहनों, महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वो बार 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 हमें ये समझाते हैं कि हमें जिंदगी के मकसद को पाना है। जिंदगी का मकसद क्या है, ये बहुत सी बार इंसान की समझ में आता नहीं, लेकिन जब भी महापुरुष आए हैं, वो धरती पर बार बार आए हैं, अलग अलग धर्मों में आए हैं, और वो हमें समझाते चले आए हैं कि कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, कि हमने जाना कहाँ है, मंजिल क्या है, रास्ता कौन सा लेना है ताकि हम अपनी मंजिल को जल्दी से पा लें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में, इंसान कि जिंदगी का मकसद क्या है, उसके बारे में समझाया है। हम इंसान यही सोचते हैं कि हम सुखी रहें, और सुख चैन हम बाहर की चीजों में ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं धन दौलत ज्यादा होगी तो हम ज्यादा सुखी होंगे। धन दौलत से आराम तो बहुत इंसान को मिलता है, सदाता का सुख मिलता है कि नहीं, ये इंसान की समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं कि अगर शारीरिक रूप से हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हम सुखी होंगे। हमें भी सोचते हैं कि अगर हमारे रिलेशनशिप्स एक दूसरे से बने रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो हम सुखी होंगे। और हम उस सुख को पाने के लिए बाहर की दुनिया में ही ध्यान टिकाते रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को जाना, उनके चंद शेर हैं जो हमें दर्शाते हैं कि हमारा जो गोल है, जो हमारा एम है, वो क्या होना चाहिए। तो वो समझा रहे हैं शेर के जरिए कि हम सबकी जिंदगी है कैसी, कि हम आम इंसान जीते कैसे हैं। तो फरमा रहे हैं कि जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है, कि जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है, खुदा है खुद जिसके दिल में पनाह, खुदा है खुद जिसके दिल में पनाह, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम इंसानी चोले में आए हैं, हम आदमी के रूप में हैं, आदमी हों औरत हों, हम इस मानव चोले में हैं, और इस चोले का पाना एक हमें हक देता है कि हम पिता परमेश्वर के प्रेम करके यहाँ आए हैं। 84 लाख जिया जून में करोड़ों आत्माएं भड़क रही हैं, प्रभु में उनमें से कुछ चुनी हैं, और उन्हें ये मानव चोला दिया। इस वक्त शायद 8 बिलियन लोग जी रहे हैं, तो वो चुने गए हैं, प्रभु ने चुना है उनको, प्रभु ने उनको चुन के हक दिया है कि वो प्रभु से मिल सकते हैं। प्रभु ने उन्होंने खास करके हर एक इतनी करोड़ों आत्माओं में से चुन के यहाँ भेजा है। तो फरमा रहे हैं कि जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है, वो कह रहे हैं प्रभु ने तो हमारी आत्मा को चुना, और चुन के प्रभु ने ये शरीर दिया, और आत्मा के साथ खुद इसमें बस गए। तो कह रहे हैं कि जो जो इंसान है वो कोशिश कर रहा है कि मेरा मुद्दा क्या है जीने का, मेरे एम क्या है जीने का, मेरे को गोल कौन सा पाना है, सो रहा मेरे को सुखी होना है।
वो सोचता है कि सुख चैन बाहर की चीज़ों से आएगा, लेकिन वो भूल जाता है कि प्रभु उसके भीतर हैं, उसके अंदर हैं। और अगर ध्यान उस ओर करेगा तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा कि खुदा है खुद जिसके दिल में पिना, कि पिता परमेश्वर खुद जिसके अंदर बसे हुए हैं। वो ढूंढता है खुदा का, वो ढूंढ रहा है कि कभी यहाँ पर प्रभु को ढूंढने चला जाता है, कभी यहाँ चला जाता है, कभी वहाँ चला जाता है, कभी वहाँ चल जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि अगर हमने सदा सदा का सुख चैन पाना है तो हम ये जाने कि सुख चैन हमें ज़रूर मिलेगा। इस चोले में आने का मकसद ही है कि हमें एक बर्थ रेट दिया गया है, प्रभु ने खुद चुन के हमें भेजा है ताकि हम प्रभु से मिलें और 84 लाख जिया जिन से हमें छुटकारा मिले। तो वी आर द सिलेक्टेड वंस, प्रभु ने इतनी करोड़ों में से चुन लिया सबको और ये मौका दे दिया। अब जब प्रभु ने मौका दिया है तो उसका फायदा हमें उठाना है। अगर ये समय जो प्रभु ने हमें दिया है, जितनी भी सांसें दी हैं इस शरीर में होने की, उसका पूरा पूरा फायदा हमने उठाया नहीं तो फिर ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने हक तो दे दिया कि हाँ तुम मुझसे मिल सकते हो, तुम मुझ में जुड़ सकते हो, तुम मुझ में लीन हो सकते हो। वो करने के लिए कुछ हिम्मत हमें भी करनी है। और अगर हम ये सोचें कि सुख चैन बाहर की चीज़ों में मिलेगा और सारा समय बाहर की ओर ही गुजार देंगे तो फिर कुछ भी पाए बगैर हम इस धरती से चल बसेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज बड़ा प्यार से यहाँ हमें समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर कहीं दूर नहीं, हमारे भीतर हैं। हम ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करें तभी हम उनको पाएंगे। और यही जितने भी महापुरुष आए हैं वो बार 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 हमें समझाते चले आए हैं। राजा पीपा फरमाते हैं कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, कि जो जो सर्च करेगा, जो खोजेगा वही पाएगा। तो खोजने का मतलब क्या हुआ कि जो एफर्ट डालेगा, जो अंदर की दुनिया में बढ़ने की कोशिश करेगा, जो शांत अवस्था में पहुंचेगा, जो अपने शरीर को शांत करेगा और मन को शांत करेगा, वो ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होगा। जो ऐसा करेगा वो ज़रूर पिता परमेश्वर को पा लेगा और जो ज़िंदगी और मौत का रहस्य है वो उसके लिए खुल जाएगा। तो वहाँ पर जब भी धरती पर आए हैं बार 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 हमें समझाते चले आए हैं कि हम सब प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने और बहुत कुछ इस ज़िंदगी के बारे में फरमाया, वो एक जगह फरमाते हैं कि ज़िंदगी खाबे मुसलसल के सवा कुछ न सही, कि ज़िंदगी खाबे मुसलसल के सिवा कुछ ना सही, इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे साकी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि ये जिंदगी है जिसे हम असली जिंदगी समझते हैं। हम लोग तो सब यही सोचते हैं कि ये इन आंखों से जो देखा वो सच है, जो कानों से सुना वो सच है, जो बाकी इंद्रियां हैं चखने की, सूंघने की, स्पर्श की, उसके जरिए जो भी हम अनुभव करें वो सब सच है। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जिंदगी खाबे मुसलसल के सिवा कुछ ना सही, कि जिंदगी एक लगातार चलने वाला स्वप्न है। अब जब हम ड्रीम स्टेट में होते हैं, जब हम स्वप्न रहे होते हैं, और आप में से कईयों को
जरूर जिंदगी में सब किसी ना किसी समय आया होगा, तो सब जब आता है तो लगता है सब कुछ ठीक है, वैसे ही हो रहा है, जितनी देर तक वो सब चलता रहता है। हमें यही लगता है कि जो सब में हम अनुभव कर रहे हैं वही सब सही है, लेकिन जैसे मुंह से उठते हैं लगता है ओहो ये तो स्वप्न था। वही हालत हम सबकी है। संदर्शन सिंह जी महाराज हमारे कि ये जिंदगी जिसको हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, जिसको हम सोचते हैं ये असली जिंदगी है, ये असली नहीं एक स्वप्न है, हम माया की दुनिया में जी रहे हैं, जो कुछ यहाँ अनुभव करते हैं मन इंद्रियों के घाट पर वो सिर्फ बाहरी दुनिया का ज्ञान है, यहाँ की चीज़ें हैं। और जितना ज़्यादा इस ओर बढ़ेंगे उतना ही हम प्रभु से दूर होते चल जाएंगे। तो कह रहे हैं इस स्वप्न को तोड़ो, इस स्वप्न में जीते ना रहो, अगर जिंदगी भर ये चलता रहेगा तुम्हारे लिए, अगर ऐसे सोते रहोगे कि सब चीज़ें मन इंद्रियों के घाट पर जो हो रही हैं सही हैं, तो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। जागो, स्वप्न से जागो। सबसे इंसान जागता कैसे है, जब से ये समझ आ जाए कि माया की नगरी में जीते हुए हम असलियत की जिंदगी पा सकते हैं, तो वो कैसे अनुभव होगा हमारे लिए जब ये अंदरूनी आंख खुलेंगी, जब ये दसम दौर है, जब ये खुलेगा तो अंदर रोशनी रोशनी ध्वनि ध्वनि खूबसूरत नज़ारे और अंदर की दुनिया का ज्ञान हमें होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले उस स्वप्न को तोड़ना है। अगर यही सोचते रहे कि यही सही है, यही ठीक है, यहाँ पर ही कुछ करना है, यहाँ पर ही पाना है, सब कुछ यहाँ से मिलेगा, सुख चैन यहाँ से मिलेगा, तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। जब तक उस स्वप्न को तोड़ेंगे नहीं तब तक असलियत की हमें जानकारी होगी नहीं। तो असलियत की जानकारी देता कौन है, एक पूर्ण महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वो यही चाहते हैं कि हम प्रभु को पाएं। उनका एक ही काम है कि जितने भी जीव हैं जो भी मानव चोले में है वो सब पिता परमेश्वर को पाए। और कहीं कहीं ऐसे महापुरुष जो कि कविता भी लिखते रहे हैं, जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज थे जिन्हें पोएट चेंज कहा गया है, और ऐसे और भी कई महापुरुष हैं जिन्होंने अपना मैसेज पोएट्री के फॉर्म में दिया है, वो कहीं ना कहीं वो कौन थे वो क्या थे वो दर्शाए गए हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज एक जगह लिखे हैं कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो समझा रहे हैं कि वो पिता परमेश्वर के अंग संग थे, उनकी आगोश में थे, उनके साथ थे, लेकिन प्रभु ने कहा कि बेटा तुम्हारी जरूरत है नीचे, कि समय ऐसा है कि आपकी जरूरत है, और नीचे भेज दिया। तो फरमा रहे हैं कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है, कि जब जब नीड्स होती हैं, इसीलिए बार 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 जब हम महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं हमें यही समझाते हैं कि हम सबको उभार देने के लिए, हम सबको प्रभु की ओर करने के लिए ही ऐसे महापुरुष इस धरती पर आते हैं। वो जानते हैं कि हमारे भीतर पिता परमेश्वर हैं, पर उन्हें ये भी मालूम है कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में है, तो वो अपने प्रेम के जरिए, अपने जो उनका प्रेम पिता परमेश्वर के लिए है उसके लिए हम सबके अंदर प्रभु के लिए प्रेम को जागृत करते हैं। वो हमको अपने से जोड़ने नहीं आते, वो हमको प्रभु से जोड़ने के लिए आते हैं।
वो तो खुद प्रभु से जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी के और जुड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन हम शारीरिक रूप में हैं, वो शारीरिक रूप में हैं, तो उनके प्रेम के अनुभव हम कर पाते हैं और फिर उसके जरिए प्रभु के प्रेम का हमें कुछ न कुछ ग्लिम्स मिलना शुरू हो जाता है कि पिता परमेश्वर तो प्रेम से भरपूर हैं। और उनके प्रेम के रास्ते पर जब इंसान चलना शुरू कर देता है तो फिर वो अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिनमें से आप भाई बहनों को कई मौके मिले मिलने के, फिरली जो भाई बहन यहाँ दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने बहुत समय यहाँ कृपाल आश्रम में गुजारा और हम सब जानते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करते थे। दिन का कोई भी समय हो, दोपहर की कड़ी धूप हो, रात के 2-3 बजे हो, हम जब भी उनके पास जाते थे, हम किसी भी तकलीफ में हो, तो उनकी प्यार भरी निगाह जब मिलती थी तो हमारे दुख दर्द सारे उड़ जाते थे। वो चाहते थे कि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो जितना जल्दी प्रभु की ओर बढ़ेंगे उतना ही बेहतर है। वो फरमाते थे कि जो बच्चे हैं एक एक कोरे कागज के माफक हैं, तो माँ बाप ही पेन से उस कोरे कागज पर उनकी ज़िंदगी में मदद करते हैं। वो चाहते थे कि हम माँ बाप अपने घर का एटमोसफियर ऐसा करें जो कि रूहानियत से भरपूर हो, क्योंकि अगर हम रूहानियत की ओर बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे। बच्चे ज़्यादा सीखते हैं कि वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, ना कि उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं उनको, क्योंकि बच्चे पाक होते हैं, साफ होते हैं, जो उनके अंदर होता है वही उनके बाहर आता है। तो वो ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं कि माँ बाप जीते कैसे हैं, रहते कैसे हैं। अगर वो देखें कि माँ बाप भजन कर रहे हैं तो वो भी भजन से मनन करेंगे, तो देखें कि माँ बाप कहते तो हैं भजन करो और खुद करते नहीं, तो फिर बच्चे भी नहीं करेंगे भजन से मनन। तो हमको अपने घर का एटमोसफियर ऐसा बनाना चाहिए, यही संत दर्शन सिंह जी हमारे बार बार फरमाते थे, जिसमें के जो अगली जनरेशन आ रही है उसका ध्यान प्रभु की ओर बढ़े। और जब भी कई बच्चे जो कि पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे, उनको संत दर्शन सिंह जी बार बार यही समझाते थे कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉजिटिव मिस्टिज्म में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि हम अपने हर क्षेत्र में बेहतर हों, अगर पढ़ाई करनी है वो भी बेहतरी से करें ताकि जो भी सीख रहे हैं उसको अच्छी तरह से सीखें, अगर काम कर रहे हैं किसी के लिए वो भी दिल लगा के काम करें ताकि हम सही तरीके से अपने काम को करें, अगर हम बिज़नेस अपना कर रहे हैं तो बिज़नेस भी सही अच्छे तरीके से करें ताकि हमारा बिज़नेस कामयाब हो, बहुत से हमने एम्प्लॉयज रखे हैं उनका भी ज़िंदगी गुजरे। तो चाहते थे कि हम जो भी करते हैं उसे सही तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, कि ज़िंदगी का मकसद है पिता परमेश्वर को पाना, लेकिन हमने इस धरती पर जीना है। और वो चाहते थे कि हर एक चीज़ हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो ताकि हम हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में बेहतर कर पाए। वो जानते थे कि हम अपने घर बार में रहते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि प्रभु को पाने के लिए हम घर बार छोड़ें, ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी गुफा में जाकर बैठ जाएं और अभ्यास 24 घंटे करें, ये ज़रूरी नहीं किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठें या दरिया के किनारे पर बैठें, ज़रूरी ये है कि घर बार में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए हम कदम प्रभु की ओर बढ़ाते चलते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी ज़िंदगी में वही किया, और जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं
हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्विस में काम करते थे, उससे पहले जो उन्होंने पढ़ाई भी की तो भी उनके नंबर बहुत आते थे, और गवर्नमेंट सर्विस भी की तो बड़े ऊंचे ओहदे तक वो पहुंचे। और जितने भी भाई बहन उनके लिए काम करते थे वो सब यही फरमाया करते थे कि कितना ख्याल उन्होंने हर एक एम्प्लॉय का किया, चाहे वो बड़ा ऑफिसर हो चाहे कोई चपरासी हो। तो वो हर एक को एक ही निगाह से देखते थे और चाहते थे कि हर एक की तरक्की हो। तो वैसी ही ज़िंदगी वो हम सबको जीने के लिए समझा गए हैं। हम अपने आप को सही रूप में जान पाए, प्रभु को पाने के रास्ते को जाने, जाने के प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, और वो रास्ता अंदर की दुनिया में बढ़कर ही हमें मिलेगा। एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है, जिससे भी वो दर्शा गए कि वो कौन थे, तो फरमाते नाम है आदमी तो क्या असुर में रूहे इश्क, नाम है आदमी तो क्या असल में रूहे इश्क, सारी जमीन है मेरा घर सारा जहां मेरा वतन। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि बाहर की दुनिया में जो जीते तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को अपने नाम से, वो नाम जो हमें पैदा होने पे दिया गया, वो नाम कई बारी हमारे माँ बाप रखते हैं, कई बारी किसी धर्म ग्रंथ से अक्षर निकलते हैं तो वो तब नाम रखते हैं, कई बारी हम अपने सदगुरु से पूछते हैं वो नाम रखते हैं, लेकिन एक नाम दिया जाता है आइडेंटिटी। जिंदगी भर हम जब वो नाम पुकार रहे थे कि हाँ मुझे बुलाया गया, तो हम अपने आप को उस नाम से एसोसिएट करते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं नाम है आदमी तो क्या, तो बता रहे हैं वो कौन थे, तो फरमा रहे थे कि मुझे भी नाम दिया गया है दर्शन सिंह, दर्शन नाम उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने दिया कि नाम है आदमी तो क्या, कि मुझे एक इंसान का नाम दिया गया है असल में रूएश हूं। नहीं फरमा मैं हाँ हूं कौन, नाम तो दे दिया मेरा नाम दर्शन सिंह रख दिया राइट, मगर मैं हूं कौन, रूह इश्क, वो आत्मा जो प्रभु से प्रेम करने की मस्ती में है, वो आत्मा जो प्रभु से इश्क करती है, जो हिंदी का वर्ड प्रेम है और जो उर्दू का वर्ड इश्क है उसमें बहुत फर्क है। जो वर्ड प्रेम है, प्रेम भी बड़ी गहराई तक जाता है, उसके भी सही एंगल होंगे, बट जब इश्क का नाम लिया जाता है तो एक जैसे मैडली इन लव कहा जाता है कि जिसमें के बहुत गूढ़ प्रेम हो उसको इश्क कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं तो एक रूह हूँ, एक आत्मा हूँ जो प्रभु के प्रेम में ढली हुई हूँ, ड्रेंज्ड हूँ, पूरे मेरे प्रभु का रंग मेरे पे चढ़ा हुआ है, मैं उनकी मस्ती में ही मैं जी रहा हूँ, यही मेरी जिंदगी है। कि नाम है आदमी तो के असल में रूह इश्क हूँ, कि सारी जमीन है मेरा घर, कि ये मत सोचो कि मेरा घर सिर्फ दिल्ली में ही है, कि सारी जमीन है मेरा घर, क्योंकि जो रूह है वो तो कहीं भी उड़ान कर सकती है, शरीर है जो जो सीमित है। अब इस शरीर को अगर एक देश से दूसरे देश में जाना है तो उसे पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, तभी कहीं और जा सकता है, क्योंकि वो कहते हैं जी इस एरिया में ही इंसान रह सकता है, कि सारी जमीन है मेरा घर सारा जहां मेरा वतन। कि हमने हम इंसानों ने इस जमीन को लेके पूरे जहां को लेके कह दिया जी ये यूरोप हो गया, जी ये अमेरिका हो गया, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, अलग 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 अलग
एजेंट बना दिए, उनमें उनमें भी सब में अलग अलग देश हैं, यूरोप में इंग्लैंड भी है और जर्मनी भी है और फ्रांस भी है और स्पेन भी है और ऑस्ट्रिया भी है और स्विट्जरलैंड भी है, वो अलग 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 देश हैं। तो जो जहाँ पे पैदा हुआ वो कहते ये इस देश में रह सकता है, क्यों रह सकता है, क्योंकि यहाँ पैदा हुआ है, और इसको यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, इसको पहले पासपोर्ट मिलेगा, तो पता लगा हाँ जी ये इस देश का है, फिर इसको वीज़ा मिलेगा, दूसरी देश वाले कहेंगे हाँ जी आ सकते हो आप, क्यों आ सकते, आप पढ़े लिखे हो, आप कोई ऐसी चीज़ की समझ है जो हमारे देश में कम है, तो आप हमारे देश में आ सकते हो, तभी जा सकते हो। वो तो रूह है इश्क, जो आत्मा की उड़ान है उसे कोई रोक नहीं सकता। वो कहने कि मैं तो आत्मा की उड़ान, जो अंदर के मंडलों में उड़ान करता हूं, सारा जहां ही मेरा अपना है, ये जो शरीर है ये तो खाली घर है, और ये शरीर तो जमीन पे यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, जहां भी जा सकता है, बट जो मैं असल में हूं, मैं तो अंदर की दुनिया में उड़ान करने वाला हूं, मैं तो अंदर की दुनिया मैं आता जाता रहता हूँ। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अदर, कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है, कि हम सब भी उन बुलंदियों को पा सकते हैं। करना क्या है, ध्यान अंदर की ओर लगाना है। अगर अंदर की ओर ध्यान लगा लिया तब तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे, और अगर सिर्फ बाहर की दुनिया की चीजों में लगे रहे तो ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से गुजर जाएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज इन्होंने और भी समझाया है कि जब ऐसे महापुरुष आते हैं तो क्या करने आते हैं, एक जगह फरमा रहे हैं कि जमीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नजर मेरी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ज़्यादा लोग तो जैसे पुराने टाइम में होता था, आजकल भी कुछ ना कुछ हो रहा है कि अलग 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 किंगडम से, तो अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए राजा क्या करते हैं, दूसरे किंगडम पे जाके लड़ाई करते थे, उनको कॉन्कर करने की कोशिश करते थे, उनको जीतने की कोशिश करते थे, उनका किंगडम और बड़ा हो जाता था। अब कईयों के हम हिस्ट्री में देखते हैं कि वो एक छोटे से किंगडम था, उन्होंने इधर भी जीता, इधर भी जीता, इधर भी जीता, उसको बड़ा कर लिया। वो सोचते थे कि जमीन ज्यादा होगी, लोग हमारे यहाँ ज्यादा होंगे तो हम बहुत बड़े माने जाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जमीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नजर मेरी। वो कह रहे हैं मुझे कोई और जमीनें जीतने का कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे और मुल्कों को अपने अंदर लाने का शौक है, कि जमीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नजर। तो मेरा नजर कहाँ पर है, मैं चाहता हूं कि लोगों के दिलों में वो प्रेम जागृत हो जो कि पिता परमेश्वर के लिए हो, कि मेरा ध्यान सिर्फ उधर है कि लोगों के दिलों में प्रभु के लिए प्रेम बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। क्योंकि मुझे मालूम है, जहाँ एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लव हैज ओनली अ बिगिनिंग इट हैज नो एंड, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जो प्रेम जो शुरू होता है तो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता तो कभी खत्म होता नहीं। ये हमारी कमजोरी, हम सोचते थे प्रेम हुआ था लेकिन कम हो गया, प्रेम कभी कम नहीं होता, वो और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, और जितना आप बांटोगे प्रेम को उतना ही आपका खजाना और बढ़ता चला जाएगा। और घर में अगर आपके पास चीनी है एक जार में, तो उसमें से अगर एक कटोरी आप चीनी लेके नेबर को दोगे तो उतनी चीनी कम हो जाएगी, लेकिन जो प्रेम का भंडार है जो आपके भीतर है, वो जब औरों से बांटोगे, अपने घर वालों से प्रेम करोगे, जो आसपास रहते हैं उनसे प्रेम करोगे, जिनके साथ काम करते हैं उनसे प्रेम करोगे, जिनको आप मिलते हो इधर उधर उनसे प्रेम करोगे, तो वो खजाना आपका और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो इसलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जमीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नजर मेरी, कि मैं चाहता हूं कि हर एक दिल में प्रभु के लिए प्रेम बढ़े, उसकी चिंगारी जागृत हो,
क्यों? प्रभु ने प्रेम के जरिए ही तो ये मानव चोला दिया हमें। प्रभु ने हमें चुना क्यों? चुना क्यों? प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, उनमें कुछ है तो मन में अच्छी लगी तभी चुन लिया, नहीं तो इतनी सारी आत्माएं जो भटक रही हैं किसी को भी चुन सकते थे। उन्होंने कुछ देखा होगा ना कि ये आत्मा प्रेम करने के लायक है, इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं प्रेम करने के, इस आत्मा में इसको चुनो। तो कह रहे हैं कि प्रभु ने हमें चुना हुआ इस करके प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन मन माया के पर्दे बहुत गहरे हैं, इस करके उस प्रेम को हम अनुभव नहीं करते। हम सब प्रेम से भरपूर हैं, ये जो गुस्सा आना और लड़ाई होना और जलसी होना ये सब मन का फरेब है, अंदर से हम सब प्रेम से भरे हुए हैं, हम किसी से गुस्सा नहीं कर सकते। वो मन का फरेब है, क्योंकि उस समय हमको लगता है मेरी मर्जी मानी नहीं गई तो इंसान को गुस्सा आ जाता है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही हो, और फिर तकरार हो जाता है। अगर ये सोचें कि तेरा भाना मीठा लगे, भाई प्रभु की जो हृदय वही हो सबकी ज़िंदगी में, तो सुख शांति रहेगी। अंदर से हम सब प्रेम से भरपूर हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये जो पर्दे पड़े हुए हैं मन माया के, उस करके जो अंदर से हमारी खूबसूरती है, जो अंदर से प्रेम है, वो झलकता नहीं है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज से मारे कि उस प्रेम को मैं जागृत करने आया हूँ, उस प्रेम के ऊपर मेरी नज़र है, कि जमीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी, अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आऊँ। तो कह रहे हैं मुझे जब भेजा गया मुझे यही हुक्म दिया गया था कि यही एक हुक्म है मेन जो मुझे दिया गया था कि सबके अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत करना है। इसलिए आज आप किसी से भी बात करो जो संत दर्शन सिंह जी महाराज को मिले थे, वो यही कहेगा कि संत दर्शन सिंह जी महाराज मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। आप सोचो कि कितना प्रेम उन्होंने हम सबको दिया होगा, कि हम सब सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेम तो हमसे ही करते थे, कितने वो प्रेम से भरपूर थे और कितना प्रेम उन्होंने हम सबको बांटा, कि हम सबको ये यकीन है, पूरे तरीके से यकीन है कि हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम वही करते थे। तो समझा रहे कि मेरा काम ही, मुझे जो हुक्म दिया गया था जब मुझे भेजा गया था, वो यही है कि मैंने सबके दिलों में प्रभु के प्रेम को और बढ़ाना है, और यही महापुरुषों के लिए हुक्म होता है जब इस धरती पर आते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ इस शेयर से समझा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी। फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, जब नामदान मिलता है तो कर्म हमारे उठाने पड़ते हैं ना उनको, तो फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। उनका प्यार तो सबके लिए होता है, तो ये नहीं है कि भी इसके लिए है तो उसके लिए नहीं है, तो उसके लिए है तो उसके लिए नहीं है। उनकी ओर से तो प्रेम हर एक की ओर जाता है, ताकि हर एक में प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो। तो फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त। कह रहे हैं कि अपनी पूरी जान से, अपने पूरे दिल से जो काम मुझे पिता परमेश्वर ने दिया है, जो उसको दोस्त फरमा रहे हैं कि जो काम मुझे प्रभु ने दिया है करने के लिए, वो अपने दिलो जान से जिंदगी भर करता रहा। यही हम देखते हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी में, कि वो चाहते थे कि हम प्रभु से मिलें, वो चाहते थे कि जिस मकसद से पिता परमेश्वर ने उन्हें भेजा है वो मकसद पूरा हो। हमें जाने कि प्रभु हैं, हम सबके अंग संग हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। हमने सिर्फ ध्यान अंदर की ओर करना है, और जब जब हम अंदर की ओर ध्यान करेंगे तो हम देखेंगे कि हम प्रभु की नज़दीकी और जल्दी से पाना शुरू कर देंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं, क्योंकि अभ्यास ही जरिया जिसके ज़रिए हम अंदर की दुनिया में जा सकते हैं, और जो अंदर की दुनिया के नज़ारे हैं वो आप सबके लिए खुलते चले जाएँ। जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आँखें बंद कर लीजिएगा, ये जो आंखों के डेले आई बॉल से सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही
वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आपसे मन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामना आप सबके साथ है।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव आउट।